योगिनी तंत्र साधना मंत्र के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं जो अत्यंत प्रभावशाली है, जिसके प्रभाव से रातों रात आप किसी को वश में कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में करने का बड़े से बड़ा और बहुत असरदार तरीका। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके प्रक्रिया के बारे में और विधि के बारे में। योगिनी तंत्र साधना मंत्र विधि कुछ इस प्रकार है। योगिनी साधना एक बहुत ही प्राचीन तंत्र विद्या की विधि है। इसमें सिद्ध योगिनी या सिद्धिदात्री योगिनी की आराधना की जाती है। इस विद्या को कुछ लोग द्वितीय दर्जे की आराधना मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। योगिनी साधना करने वाले साधकों को बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होता है। हर तरह के बिगड़े कामों को बनाने में इस साधना से लाभ मिलता है। माँ शक्ति के भक्तों को योगिनी साधना से बहुत जल्द और काफी उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस साधना को करने वाले साधक की प्राण ऊर्जा में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। माँ की कृपा से भक्त के जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाती है और उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन हो जाता है। चलिए नजर डालते हैं योगिनी तंत्र साधना मंत्र विधि पर। इस साधना को रात्रि 11 बजे के बाद करना चाहिए। इसे करने के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन उचित होता है। इसके अतिरिक्त कोई शुक्रवार या कोई भी नवमी इस साधना के लिए उत्तम समय होता है। इस साधना में लाल वस्तु का विशेष महत्व है, इसलिए अपना आसन, वस्त्र आदि लाल रंग के ही होने चाहिए। आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब आपने सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। इस वस्त्र पर अक्षत को कुमकुम से रंजित करके एक मैथुन चक्र निर्मित करें। अब इस मैथुन चक्र के बीचों बीच दिव्य कर्षण गोलक सिंदूर से रंजित करके स्थापित कर दें। आप दिव्य कर्षण गोलक नहीं होने पर सुपारी का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से दिव्य कर्षण गोलक स्थापित करने के बाद अपने गुरुदेव या भगवान गणेश की आराधना करें। अब गोलक या सुपारी को योगिनी स्वरूप मानकर पूजन करें। पूजन के लिए लाल रंग के पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें और तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। अब गुड़ का भोग लगाएं और अनार रस भी अर्पित करें। दोस्तों, अब एक रुद्राक्ष की माला लेकर ओम रम रुद्राय सिद्धेश्वराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक माला जप पूरा करें। अब थोड़ा सा अक्षत लेकर उसमें कुमकुम मिला लें और बताए गए मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्थापित गोलक या सुपारी पर थोड़ा थोड़ा अर्पित करते जाएं। इस दौरान इस मंत्र का जाप करें। पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धूनय धूनय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर शोभय शोभय कटु कटु मोहय हुंपट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं सिद्धायै सकल सिद्धिदात्री ह्रीं क्रीं नमः का 21 बार रुद्राक्ष की माला से जप करें। जब आपका माला जब पूर्ण हो जाए तो अनार में थोड़ा सा घी मिलाकर अग्नि में 108 बार आहुति दें। इस तरह से योगिनी साधना करने पर अंतिम दिन एक अनार लेकर उस जमीन पर जोर से पटके और उसका रस सीधे अग्नि को अर्पित करें। रस अर्पित करते हुए सिद्ध योगिनी प्रसन्न हो ये जपते जाएं। इस तरह से साधना संपन्न होने के अगले दिन पूजन और हवन आदि सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। रोज पूजा में अर्पित अनार और गुड़ को साधक ग्रहण कर सकता है। पूजा में रखी गई सुपारी या गोलक को पोंछकर
साधक को अपने पास ही रखना चाहिए, लेकिन वस्त्र आदि को प्रवाहित कर देना चाहिए। योगिनी साधना के संपन्न होने पर कन्याओं को भोजन कराना भी उत्तम है। इसके अलावा माँ के मंदिर में मिठाई और दक्षिणा भी दें। दोस्तों, इस साधना में और कोई जानकारी के लिए